बीपीएससी शिक्षक भर्ती सेकेंड मेरिट लिस्ट। जी फ्रेंड्स, प्रथम चरण की शेष वीक सीटों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करे सरकार। मैं आपको बता दूं, कल देर रात तक बच्चे सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतजार करते रह गए। और जैसा कि रजनीश सर जो है न्यूज 18 के पत्रकार, उन्होंने साफ तौर पर क्लियर किया था कि कल जो है किसी भी वक्त रात देर रात तक जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ सकती है 4700 पदों पर, लेकिन नहीं आई। लेकिन बिग अपडेट, गुड न्यूज यह है आप लोगों के साथ कि कल अगर नहीं आई तो अब जो है सेकेंड मेरिट लिस्ट में सीटों की संख्या बढ़ने की पूरी पूरी संभावना दिख रही है। जी फ्रेंड्स, आज जो है कैबिनेट बैठक है जिसमें अपर मुख्य सचिव भी रहेंगे, साथ ही साथ बिहार के जितने भी मंत्रिमंडल के जो अधिकारी लोग हैं वो सभी उपस्थित रहेंगे और इस पर विचार विमर्श करेंगे, क्योंकि कल जो है सैकड़ों अभ्यर्थी जो है शिक्षा विभाग, सचिवालय या यूँ कहें कि गांधी मैदान में सभी जो है अपना धरना प्रदर्शन दिए और अपनी अपनी बातों को रखने का प्रयास किए कि आखिर 28,000 रिक्त पद है तो उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्यों नहीं आ रही है, महज 4700 पदों पर ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्यों आ रही है। इन सभी बातों पर मैं बारीकी से चर्चा करने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। इस चैनल के साथ नहीं जुड़े हुए हैं तो जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और नोटिफिकेशन क्लिक कर लीजिए, क्योंकि आने वाला हर एक अपडेट आपको इसी तरीके से मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। सबसे पहले तो मैं बता दूं फ्रेंड्स कि कल जो हुआ वह जो है बीपीएससी के प्रथम चरण के शेष रिक्त सीटों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि छात्र नेता सौरभ कुमार सिंह ने बीपीएससी द्वारा प्रथम चरण में रिक्त शेष सीटों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने का मांग सरकार से की। उन्होंने बताया कि सबको यहां पर प्रथम शिक्षक की बहाली में 1,20,000 पदों पर बहाली की प्रक्रिया ली गई थी, लेकिन अब जो है 92,000 शिक्षकों की ही नियुक्ति हुई है। तो इस प्रकार 28,000 से ज़्यादा सीट जो है खाली है, लेकिन फिर भी मात्र 4700 पदों पर ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने का बात क्यों कही जा रही है, क्या यह औचित्य है। सौरभ कुमार सिंह ने बताया कि इस मांग को लेकर सोमवार को शिक्षा विभाग अपर मुख्य सचिव और माध्यमिक शिक्षा निदेशक से मिलने पहुंचे, लेकिन मिलने से इनकार कर दिया और वहां मौजूद सुरक्षाकर्मी धमकी देने लगे और बिना मिले ही वापस आना पड़ा। अगर मात्र 4700 पदों पर सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी होती है तो यह छात्रों के साथ बहुत ही बड़ा धोखा होगा और षड्यंत्र जैसा होगा, और जिसको शिक्षक अभ्यर्थी किसी भी सूरत में यह स्वीकार नहीं करेंगे। अब मैं बता दूं कि अगर 4700 पदों पर ही वाकई में एक से अधिक पद जो रिजल्ट घोषित किए गए हैं उसके लिए अगर आते हैं तो प्राइमरी पीआरटी में सीटों की संख्या है ही नहीं। अगर मान लीजिए कि इस कंडीशन में होता है तो फ्रेंड्स लॉजिक सी बात है या सोचने वाली बात है कि अगर जो बच्चे 9 to 10, 11 to 12 में फिलअप किए होंगे वो 1 to 5 में फिलअप किए होंगे, और जाहिर से बात है कि वो बीएड डिग्री धारक होंगे, तभी तो तीनों में अप्लाई किए होंगे। बहुत ही कम ऐसे स्टूडेंट होंगे जो डीएलएड भी किए होंगे, बीएड भी किए होंगे, तो डीएलएड के आधार पर 1 to 5 किए होंगे और बीएड के आधार पर 9 to 10, तो 9 to 10 में चल गए, 1 to 5 छोड़ दिए। ये ऐसा बहुत ही कम स्टूडेंट होंगे, लेकिन ऐसा बहुत ज़्यादा स्टूडेंट होंगे जो बीएड किए हुए थे और तीनों जगह पर उनको करने का मौका मिल गया था तो उन्होंने तीनों जगह फॉर्म फिलअप कर दिया। इस कंडीशन में अगर मैं बताऊं कि पीआरटी में 1 to 5 में बीएड डिग्री धारकों का रिजल्ट नहीं आया तो वे तो ऑलरेडी पहले ही वहां से छट चुके हैं, ठीक है ना। तो एक से अधिक मल्टीपल रिजल्ट में पीआरटी का सीट आएगी ही नहीं, ज़्यादा 532 देख रहे हो, अगर 1,000 सीट आ गई तो वह बहुत हो जाएगी, ठीक है ना। तो यही हम लोगों की मांग रखनी है, आप लोगों को सभी घर से निकलना होगा, सरकार से मांग रखनी है। और जैसा कि आप सभी देखे कल सैकड़ों के तादाद में स्टूडेंट पहुंचे थे, लेकिन और संख्या होनी चाहिए, क्योंकि हज़ारों स्टूडेंट यहां पर देखते हैं और हज़ारों स्टूडेंट का कमेंट आता है, तो उतना स्टूडेंट अगर पहुंचते अपनी अपनी मांगों को रखते तो ये ज़रूर पूरा होने वाली थी, क्योंकि सिर्फ 4700 पदों पर रिजल्ट आना बहुत ही दिक्कत वाली बात है, और जिसमें पीआरटी का सीटें ही नहीं आएगी। सबसे ज़्यादा फायदा होगा तो 9 to 10 वाले की होगा, क्योंकि 9 to 10 में जिनका सिलेक्शन होगा वह 11 to 12 में भी हुआ होगा, तो उस कंडीशन में 9 to 10 छोड़ के 11 to 12 में ज्वाइन किए होंगे तो ज़्यादा सीट जो है देखने को मिलेगी 9 to 10 में। अब लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है, आज कल जो काम हुआ था आंदोलन उसको लेकर तो नहीं, आज जो है कैबिनेट बैठक है और उसमें अपर मुख्य सचिव भी रहेंगे, तो क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर सामने आता है, क्या सीटों की संख्या बढ़ सकती है, ये देखने वाली बात रहेगी। अब आयोग कह रही है कि मुझे जितना सरकार द्वारा जितना मुझे पास रिक्त पदों की ब्यौरा आएगा मैं उतना ही पर रिजल्ट पब्लिश करूंगा, लेकिन यहाँ पर बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद सर जो है लाख कोशिश कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, और जितना इंतज़ार हो रहा है वह हो रहा है कि सीटों की संख्या बढ़ने की अग्रसर में लगे हुए हैं बीपीएससी के चेयरमैन, ताकि
शिक्षा विभाग तरफ से फाइनल रिक्ति आए, फिर दूसरा रिक्ति आए, रिक्त पदों के ब्यौरा आए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे पाएँ, ताकि हम इससे जो है विभुक्त हो जाए। क्योंकि बच्चे जो लोग कमेंट करने वाले बहुत कुछ कमेंट करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं बीपीएससी आयोग के सामने, जो कि यहाँ पर अतुल सर कतई नहीं चाहेंगे, इसलिए वे इंतज़ार कर रहे हैं। और कल रिजल्ट नहीं आने का ये भी एक कारण हो सकता है कि अगर रिक्त पदों की संख्या ज़्यादा है। हम तो कहते हैं कि आज जो है 5 तारीख हो गया, आप 2 दिन और वेट कर लीजिए, 7 तारीख तक पूरा कंप्लीट हो जाता है, तब रिजल्ट पब्लिश कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों में आए रिजल्ट और सभी का लाभ मिले। फ्रेंड्स, आप सोचिए, अगर गलत कमेंट करना है तो कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आज ही रिजल्ट आ जाए या कल ही रिजल्ट आ जाए, सिर्फ 4700 पदों पर आए और PRT में 532 ही आए, तो क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं, किसी का नहीं हो पाएगा। बॉर्डर लाइन पर जो डेट ऑफ बर्थ के कारण छूटे हुए, उनको भी दिक्कत हो सकती है, इसीलिए हम 2 दिन वेट ही कर लेंगे। लेकिन आए लगभग 20,000 पदों पर सप्लीमेंटरी रिजल्ट आए, PRT में कम से कम 10-12,000 सीटों पर आए, ताकि जो है जो बच्चे 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर से छूटे हुए, उन सभी को होने का चांसेस रहे, ठीक है ना। तो यही था आज का पूरा निष्कर्ष, कल जो हुआ था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। चलो लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि ये जो है आगे तक वीडियो पहुँचे और सभी के कानों में ये बातें जाए। चलिए, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।